अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का वजीफ़ा बहुत ख़ास है, बहुत आला। ये अमल आपने सुना होगा शायद, लेकिन तरीक़ा अमलियात में इसका कैसे है, आज मैं आपको इस बारे में मुकम्मल डिटेल से समझाऊँगी। 1 लाख हाजात फ़ौरन पूरी हो इस ख़ास वजीफ़े के करने से। ये एक ख़ास अल्लाह का कलाम है और इसकी ताकत, इसकी बरकत आप अमल करेंगे फिर आपको पता लगेगी इंशाअल्लाह ताला। घर, गाड़ी, दौलत, रिस्क, माल, जो चाहते हैं वो ही मिलता है। और एक छोटे से इस लफ्ज़ से आप बोलेंगे ना कुन, फिर अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर बोलेंगे फ़याकुन। इतने से फासले में ही आपका 1 लाख हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको घर, गाड़ी, दौलत, रिस्क, माल अल्लाह पाक अता करेंगे। अब एक ख़ास तरीका हम समझते हैं जो अमलियात का है। आपने एक काली डोरी लेनी है। मैंने ये काली डोरी बनाने की कोशिश की है अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए। और ये काली डोरी आपने इस तरह बनानी है कि काली डोरी पर आपने दम करते जाना है। अब गौर से इसका समझेंगे तरीका, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अहदीस से शुरू करते हैं। जी भर कर दुआएं मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ मांगते में कसरत करता है क्योंकि वो अजीम रब से सवाल कर रहा है, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। सुबहानअल्लाह। जब दुआ मांगते रहो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसको फ़ौरन पूरी कर लेते हैं। और ये आज दुआ की कबूलियत का ही वजीफ़ा तो मैं आपको बताने लगी हूँ। आप यकीन माने, इसके अल्लाह के कलाम की कसम मैं आपको देती हूँ। आप एक दफ़ा ये वजीफ़ा ज़रूर करें। हाजत क्या है आपकी? क्या आपका बहुत बड़ा काम है, कर्ज़ है, पैसों की तंगी, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, दौलत, रिस्क, पैसा क्या चाहिए? ये ख़ास वजीफ़ा। एक काली डोरी आपने लेनी है, कोई सी भी ले लें पर रंग काला हो। धागा ले लें, जो कपड़ों की सिलाई करते हैं ना लोग, उसका जो धागा उसको फ़ोल्ड कर लें, डोरी बन जाएगी। वो डोरी ले लें। अपने सीधे हाथ पर अमल करते वक्त डोरी को बांध लें। बांधने के बाद अब आपने दिन कौन सा है, कोई सा भी दिन हो, वक्त रात का हो तो बेहतर है, लेकिन कोई सा भी वक्त हो, दुरूद पाक 3 बार अल्लाह का कलाम पढ़ने से पहले ना दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ हर कबूल होती है, ठीक है। और काली डोरी को हाथ पर बांधना है और बांधे भी रखना है, 3 दिन तक बांधे रखना है। पहले हम इस अमल को समझते हैं, फिर मैं आपको इसका नक्श समझाऊँगी। देखें आपने क्या पढ़ना है, 33 बार कुन या करीमू फ़याकुन। अब हम पढ़ने का तरीका समझते हैं। काली डोरी हाथ पर बांध ली, फिर पढ़ना शुरू किया दुरूद शरीफ 3 बार, फिर आपने पढ़ा कुन, फिर पढ़ा आपने या करीमू, फिर फ़याकुन। अब जब आपने या करीमू पढ़ना है ना, आपको क्या चाहिए, कौन सी हाजत है, दुआ करें। अल्लाह पाक ने फरमाया कुन हो जा, फ़याकुन हो गया, या करीमू ए रहम करने वाले, ए मेहरबान, ए मेरे अल्लाह, ये हाजत है। या अल्लाह पाक मेरी बेटी बेटा है, उसकी शादी नहीं हो रही, या अल्लाह पाक मेरा बेटी बेटा है पर वो नाफरमान है, या अल्लाह पाक मेरी मुश्किल है बीमारी की, कोई से भी हाजत है आप दुआ मांगे। या अल्लाह पाक घर दे दें, या अल्लाह पाक गाड़ी दे दें, या अल्लाह पाक हर चीज़ अता की लेकिन गाड़ी नहीं है तो गाड़ी दे दें, या अल्लाह पाक घर में फाका कशी है, दौलत नहीं है, पैसे नहीं है, खाना अच्छा खा नहीं सकते, रिस्क नहीं, माल नहीं, कुछ भी तो नहीं, या अल्लाह पाक वो अता कर दें। 33 बार आपने पढ़ना है तो 33 हाजात को बोलें, जितनी भी हाजात दिल में होंगी वही कबूल होगी। अब पढ़ने के बाद जब एक दफ़ा पढ़ेंगे ना, डोरी पे दम कर दें। दूसरी दफ़ा पढ़ें डोरी पे दम कर दें, तीसरी दफ़ा पढ़ें हाजात के साथ ही, दिल में हाजत रख के पढ़ें। एक दफ़ा दुआ पढ़ी, कुन या अल्लाह मुझे क्या चाहिए, दौलत चाहिए, फ़ाया कुन। फिर कुन या करीमू या अल्लाह मुझे गाड़ी चाहिए, फ़ाया कुन। अलग अलग हाजत मांगे और फिर देखें कैसे पूरी होती है अल्लाह के कलाम की ताकत देखें। फिर डोरी पर आपने दम कर देना है और डोरी हाथ पर ही बंधी रहेगी, 3 दिन बांधनी है, याद रखें। अब इस डोरी को इस्तेमाल में 3 दिन के बाद ही लाना है। इस अमल को 1 दिन करना है, दूसरे दिन इस डोरी को बंधे रहने देना है, तीसरे दिन भी इस डोरी को बंधे रहने देना है। अब काली डोरी हाथ से उतार लें। अब आपने काली डोरी हाथ से उतार कर अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह जैसे कोई तार होती है या कोई हवा में मतलब कि डोरी जो सी है, या घर में किसी कोने में रख दें इस डोरी को उतार के। रिस्क दौलत तो आएगा, लेकिन दौलत रिस्क की जो बंदिश है ना वो ख़त्म हो जाएगी। दुकान पर रश कम है, दुकान के लिए ये डोरी ले जाएं। ये डोरी जो सी है आपने इस नक्श को बनाकर ज़ोर से ये डोरी काली बांध देनी है। इस नक्श को बिल्कुल इसी तरह बनाकर इस डोरी को नक्श से बांध देना है। दुकान में कहीं पर भी रख दें। इतना रश होगा कि पाँव रखने की जगह भी ना होगी। जॉब नहीं मिलती, मुलाजमत नहीं मिलती। जब भी मुलाजमत के लिए जाना हो डोरी को हाथ पर बांध लें, ठीक है, आकर बेशक उतार दें। डोरी को बांधकर जहाँ जाते हैं जॉब में आपको वहाँ पर फतहयाबी नसीब होगी। आप एक दफ़ा ये अमल ज़रूर करें। ये नक्श दुकान के लिए है, कारोबार के लिए है, रिस्क के लिए है। अपने पास बनाकर पॉकेट में भी रख सकते हैं, अपनी दुकान पर भी टांग सकते हैं, जहां आप काम करते हैं। एक मेरे भाई हैं, उनका कमेंट्स आया था कि बाजी मैं सिलाई करता हूं। हाजत तो छोटी छोटी चीज़ों की भी है ना। वो कहते हैं बाजी मैं सिलाई करता हूँ, पहले तो बहुत रश था लेकिन मेरे पास अब कोई कपड़े सिलाई के लिए नहीं आते, तो मेरी दुकान क्यों नहीं चलती, तो उसके लिए क्या करें। उनको यही अमल दिया। आप यकीन माने सिर्फ 3 से 4 दिन में वो कहते मेरे पास टाइम ही नहीं है बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरा ये मसला हल हो गया। एक मेरी बहन है जो यूके में है और उनका कहना था कि उनके कारोबार में इतनी तंगी है, यानी जहाँ पर भी जॉब करते हैं ना कोई नुकसान हो जाता है, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कभी ऐसा मसला हो जाता है कि वो चलते चलते जो उनसा है ख़राब हो जाती है। मैं ठीक भी करवाती हूँ, फिर भी मैंने इसको कहा ये डोरी बनाकर गाड़ी में रख ले, नक्श बनाकर बेशक गाड़ी में रख ले। अल्हम्दुलिल्लाह वो कहती है इस नक्श की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरा रिस्क भी अल्लाह पाक ने अता दिया और अल्हम्दुलिल्लाह डोरी का इतना, कहती है मैंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया लेकिन दोबारा मेरी कभी गाड़ी भी ख़राब नहीं हुई। तीसरी इसकी ये फजीलत है कि अगर कोई बंदिश भी होगी ना आपके साथ लगी, बहुत से लोगों के साथ ना जादू सफलीलम बंदिश, कोई ऐसी जगह भारी होती है, कोई ऐसा घर भारी होता है जहाँ से हम आते हैं चलकर, फिर वहाँ पर हम जब दोबारा जाते हैं उनकी सारी बल्दियात अपने साथ ले जाते हैं। तो फिर क्या होगा, अगर डोरी का अमल हमने किया होगा, बेशक डोरी घर में ही पड़ी हुई है, आपके पास नहीं है, लेकिन जिस जगह से आप गुजरेंगे वहाँ पर बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके नज़रें बद लगी, काली नज़र लगी है, आप ये डोरी का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आपके ऊपर जितनी भी बंदिश, जितनी भी परेशानी, काली नज़र होगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन डोरी को एक दफ़ा हाथ पर बांधना ज़रूरी है। सीधे हाथ पर बांधना, आप बाजू पर भी बांध सकते हैं और हाथ पर भी बांध सकते हैं, कलाई के पास बांध सकते हैं, ठीक है, आप जिस तरह आपको मुनासिब लगे। एक दफ़ा ये 1 लाख हाजात को पूरा करने के लिए ये अमल आप कर सकते हैं। एक दफ़ा में ही कबूलियत होगी। कुन या करीमू, 1 लाख हाजात, अल्लाह पाक मेरे दिल में 1 लाख हाजात हैं, उन्हीं को पूरा कर दें। फ़ाया कुन, हो गया, पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा ये अमल करें, इंशाल्लाह दोबारा किसी अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ इजाज़त दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी, कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तिखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह। और अगर आपने इस्तिखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तिखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या इंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं, उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकल्लाह।